सो हेलो गाइस, दिस इज हैरी फ्रॉम फूड अफेयर्स एंड वेलकम टू आवर फूडी चैनल। सो गाइस, आज हम आए दक्षिणपुरी में जहाँ पर घर का खाना मिलता है। तो मदर एक डॉटर है जो घर का खाना रखती है, स्टॉल बना रखा है। ये रहा ऐसा कुछ स्टॉल दिखता है पूरा, इनको स्टॉल दिखा दो सबको, ऐसा कुछ स्टॉल दिखता है गाइस यहाँ पर। और मतलब ये मदर और डॉटर है जो खुद सेल करती है और अपने हाथों से बनाती है खुद। तो चलते हैं, थोड़ा इनसे पूछते हैं इनके बारे में और खाना पूछते हैं क्या क्या बनाते हैं भाई। मतलब लगा लो भीड़ बहुत है और काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पर खाने के लिए। तो हेलो मैम, कैसे हो मैम? बस ठीक है, आप बताइए। मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम निशा। निशा, तो मैम कितने टाइम हो गए वैसे आपको यहाँ पर लगाते हुए? यहाँ पे मुझे तो 4 साल हो गए हैं, पर मम्मी और पापा लगाते थे। अच्छा, काफी टाइम से लगाते हैं। तो उस टाइम कितने टाइम हो गए? 82 से लगा रहे हैं। अरे तो काफी टाइम हो गया उस बात को। अच्छा, तो मैम ऐसे काम बढ़िया चल रहा है? एक नंबर काम बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, काम बहुत अच्छा। मैम वैसे क्या क्या वैरायटी है आपके पास? अभी आज तो दाल है, सफेद छोले, आलू गोभी है, मटर पनीर है, सोया चाप है, कढ़ाई पनीर है, छह सब्जियां। अच्छा, और रोटी घर की रोटी रखते हो वैसे? अच्छा, तवा रोटी रखते हो? हाँ जी, तवा रोटी रखते हो। ओके, और मैम वैसे टाइमिंग क्या है? टाइमिंग है मॉर्निंग जो हम लगाते हैं 9 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक। शाम को 5 बजे तक। अच्छा, और मदर डॉटर ही आप ही दोनों ही करते हो वैसे मेन काम, है ना? हाँ जी, हम दोनों ही करते हैं। देखो गाइस, रोटी रोटी बनाने में लगी है और भाई भीड़ ये रही। ये दक्षिणपुरी के बंदे मैम वैसे रिजल्ट अच्छा है ना यहाँ पर? रिजल्ट बढ़िया। अच्छा, तो हमारे शोएब भाई भी आए हुए साथ में। शोएब भाई शूट कितनी बार? एक बार आया ना शूट करने? पहले भी किया था इनका शूट और काफी लोगों ने देखी है ना। अच्छा, लोगों ने देखा था, उसके बाद मैं दोबारा आया हूं एक बार उस वीडियो करने के लिए। अच्छा, कुछ लोग लोकेशन के बारे में पूछ रहे थे और पूछ रहे थे कि कहां पर है, कौन कौन है, तो उसकी पूरी डिटेल में इस वीडियो में देने वाला हूं। लोकेशन तो वैसे दक्षिणपुरी पड़ती है ना गाइस। देखो ये अपना पुष्प विहार का स्टॉप है, ठीक है, और यहाँ से दक्षिणपुरी की एंट्रेंस होती है। तो गाइस ये रही इनकी सब्जी और थाली। मैम थाली कितने की वैसे आपकी? ये 50 की थाली है जी। क्या क्या मिलता है थाली में? इसमें मटर पनीर होता है, सोया चाप होती है। अच्छा, और अगर चेंज करनी है सब्जी तो चेंज भी हो जाएगी। एक 40 वाली भी थाली लगती है जिसमें दाल, प्लेन सब्जी मिलती है, 4 रोटी मिलती है। अच्छा, चार अगर कोई चावल लेता है तो फिर 2 रोटी आती है। 2 रोटी आती है। अच्छा अच्छा, चावल भी देते हो आप मैम? हाँ जी, चावल, 2 रोटी, 2 सब्जी। अच्छा, 2 सब्जी। सो गाइस अभी हम चलते हैं, मतलब कुछ कस्टमर्स हैं उनसे पूछते हैं रिव्यू। तो हेलो भैया, कैसे हो? भैया भैया, तो भैया आप कब से आ रहे हो मतलब यहाँ पर खाने में से? मुझे यहाँ पे तकरीबन 2 महीने से ज़्यादा हो गया। 2 महीने से ज़्यादा हो गया, ठीक है, 2 महीने से ज़्यादा हो गया। और वैसे अब टेस्ट बताओ, टेस्ट कैसा वैसे आप यहाँ पर? अच्छा है, घर जैसा खाना है बिल्कुल। जब भी यहाँ मैं खाना तो और भी जगह काफ़ी जगह मिलता है, ये बात तो सही है। और जगह भी टेस्ट किया पर यहाँ पे एकदम फैमिली जैसा लगता है, घर के जैसा खाना खाते हैं। तो वैसे आते हो तो यहाँ पर क्या खाते हो ज़्यादातर? मतलब मोस्टली तो यही यहाँ पे पूरी सब्जी, आगे अंकल है वो भी बेचते हैं, पीछे से भी मंगाते हैं। नहीं मतलब खाते क्या हो यहाँ पर ज्यादातर? आके यहाँ पर क्या खाते? चावल, अच्छा, सब्जी, यही जो होता है। टेस्ट बेटर है मतलब लोगों को यहाँ पर रोज चेंज होता रहता है। हाँ, वो चीज अच्छी लगती है ना, और मतलब लोगों को यहाँ पर आना चाहिए खाने से, रोजाना चेंज होता है। अच्छा, लोगों को आपके हिसाब से यहाँ पर आना चाहिए ना, टेस्ट तो कर सकते हैं बंदा। अच्छा, आंटी मेहनत बहुत करते हैं। सही बात बोली भैया। आंटी क्या बना रहे हो? ये पराठा? पराठा कौन सा है? आलू प्याज का। आलू प्याज का, अच्छा अच्छा अच्छा। ये तो आंटी आपने बहुत भर दिया, इसको क्या बात है? ये बड़ा भरमा पराठा जाता है, 30 रुपए का एक। अच्छा, इतना भरते तो माल, मतलब कंजूसी नहीं करते हैं? क्या बात है आंटी, 30 रुपए लेने हैं, लोगों का पेट तो भरे। हाँ, ये बात आंटी आपने बढ़िया बोली, ये सही लगी आपको बात। ये हमारे भाई साहब हैं, ये रोज लेके जाते हैं पराठा। अच्छा, रोज लेके जाते हैं। अंकल जी कैसे लगता है पराठा वैसे? बहुत बढ़िया। ये वहाँ से आते हैं, डीडी फ्लैट से। डीडी फ्लैट से, अच्छा, तो बढ़िया यार, आंटी का मतलब बिहेवियर अच्छा है भाई। मैं तो कहता हूँ यहाँ पर आकर सपोर्ट करो इनको। ये रहे हमारे शोएब भाई, सपोर्ट करो भाई यहाँ पर आकर इनको, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो ताकि अच्छा लगे दिल से भी। अभी आंटी बना रही है, बनाते हुए देखते हैं पराठा इनका। ये इनका पराठा गाइस, 30 रुपए का आंटी पराठा है ना? सिर्फ 30 रुपए का पराठा रायते के साथ है। रायते के साथ, पुदीने की चटनी। अच्छा, अच्छा, इतना बड़ा पराठा बनाते हो आंटी आप? हाँ, बड़ा, इतना बड़ा बनाते हैं। क्या बात है, पेट भर जाएगा बंदे का। एक ही पराठा से काम हो जाता है? काम हो जाता है, बढ़िया चीज। प्राइस ही हो रहा पैक। गाइस अभी अपन ने थाली ली है जो है 60 रुपीज़ की,
जिसमें एक रोटी, चावल, एक चाप और साथ में बैंगन की सब्जी और साथ में सैलड मिला। तो थोड़ा सा अपन ट्राई करते हैं और अपन ये खाते हैं। यार पनीर भी डाला हुआ उसमें? एक थाली और लगा। नहीं नहीं मैम, ये पनीर है अपना। ये चावल इतना बढ़िया यार, ऐसे चलते हम घर पे भी नहीं बनाते। बहुत बढ़िया गाइस, मेरे हिसाब से तो भाई यहाँ पर आके टेस्ट करो। बैंगन की सब्जी लगी नहीं थी भाई, इतनी अच्छी टेस्टी बनाई सब्जी। तो मेरे हिसाब से अगर मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू दूँ तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आके आओ, एक बार टेस्ट करो थाली जो। बस ठीक है यार, चावल मिल रहे हैं, सब्जी मिल रही है, चाप भी मिल रही है, बैंगन की सब्जी, बैंगन की सब्जी में भी पनीर डला हुआ है और सैलड मिल रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो अगर लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय बाय, टेक केयर।